नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आम चुनाव का आज दूसरा चरण है, 28 सीटों पर आज वोटिंग होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। रोहतक से दीपेंद्र व हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया गया है, वहीं श्रुति चौधरी का टिकट काट दिया गया है। ब्रजेंद्र को भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने का कोई फायदा नहीं हुआ, उनका टिकट भी कट गया है। अंबाला से विधायक वरुण मुलाना को प्रत्याशी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि टिकटों की घोषणा में हुड्डा ग्रुप का दबदबा कायम रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने वीरवार देर रात हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए 9 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अंबाला से मुलाना के विधायक वरुण चौधरी, सिरसा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, हिसार से पूर्व सांसद जयप्रकाश, करनाल से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा, रोहतक से लोकसभा प्रत्याशी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और फरीदाबाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। गुरुग्राम सीट पर अभी भी संशय बाकी है। अभिनेता राज बब्बर और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बीच पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का दबदबा दिखा है। रोहतक में पिछले चुनाव में मात्र 7,000 वोटों से हारने वाले दीपेंद्र हुड्डा के आने से एक बार फिर रोहतक लोकसभा चुनाव रोचक हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से महेंद्रगढ़ के विधायक व अहिर बिरादरी से आने वाले राव दान सिंह पर दाव लगाया है। इस सीट से पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी टिकट की दावेदार थी। यह पहली बार है जब बंसीलाल का परिवार मैदान में नहीं होगा। राव का मुकाबला वहां के दिग्गजों से भाजपा के चौधरी धर्मवीर से होगा। हिसार से 3 बार के सांसद जयप्रकाश पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। इस सीट से हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह टिकट के प्रमुख दावेदार थे। हिसार में अब सभी जाट जाति के उम्मीदवार हैं। अंबाला में विधायक वरुण चौधरी को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने पंजाबी बिरादरी के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी महाराज को मैदान में उतारा है। उनके सामने मोहनलाल कौशिक हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं, और सतपाल महाराज भी ब्राह्मण समाज से हैं। अब कांग्रेस की टिकट घोषित होते ही हरियाणा में राजनीति का पारा बढ़ चला है और लगातार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरेक विधानसभा में रैलियां कर रही हैं। इसी क्रम में झज्जर जिले के झज्जर बादली में भी मुख्यमंत्री की प्रस्तावित रैली है और चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है। गर्मी के बावजूद भी प्रत्याशी मैदान में घूम रहे हैं और मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। रोहतक सीट हॉट सीट मानी जा रही है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सीधा मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी अरविंद शर्मा से है।